गया है और सामान को निकाल लिया गया। ऐसे घटना पिछले दिनों मीरगंज में भी ऐसा घटना एक हुआ था कि सामान निकाल लिया गया था, पूरा फाड़ करके चुटी मार करके, देखिए ये देखिए, अच्छा ये पूरा इधर फाड़ करके सामान निकाला गया, ये देखिए ये पूरा फाड़ दिया गया, ये देखिए अगर खोल देंगे तो ढक्कन की तरह ये खुल जाएगा। अच्छा अच्छा, ये 30 kg सामान अभी ऐसे पता चलता है कि हाँ देखिए ये सामान, देखिए ये टेप है, टेप निकाल देंगे ये पूरा खुल जाएगा। अच्छा। ये ऊपर से ये हमारा टेप मारा मारे, ये पोस्ट ऑफिस का टेप मारा हुआ नहीं है, ये यहाँ मारा गया, ये कटिंग करके देखिए, ये देखिए, ये 7 kg 600 g इसमें से गायब है। जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही कौन है, किसके पास जाएंगे ये 7 kg के लिए? लेकिन ये व्यवस्था सही नहीं है। अगर आप लोग विदेश में रहते हैं, सामान भेजते हैं, तो सुरक्षित नहीं भेज सकते हैं बिहार में आप लोग, क्योंकि घटना ऐसा क्या है, ये दिखाइए कितना का नुकसान हुआ है, मालूम है आपको कितना का सामान था? इस अंदर हमने इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, लिया ही नहीं, क्योंकि इसमें 7.5 kg वजन कम है, इसके लिए नहीं लिया, मैं चला गया था लगभग। अभी इसको जब ओपन करेंगे तब तो कौन। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं SEO न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। आए दिन बिहार में घटना होते रहता है। इसी बीच सिवान के हम पोस्ट ऑफिस में खड़ा हैं और ये भाई साहब सऊदीया से अपना कार्गो भेजे थे, कार्गो देख रहे होंगे, ये कार्गो है और हम इनसे जानेंगे। ये बोल रहे हैं कि कम हो गया है सामान, 700 kg 600 g, यानी 7 kg सामान इनका कम हो गया है। ये पोस्ट ऑफिस है सिवान का, दिखा दीजिए वहाँ पर पोस्ट ऑफिस, दिखाइए एक बार, हम लोकेशन दिखाए तो ओवर ब्रिज के नीचे आइएगा तो ये पोस्ट ऑफिस है और यहाँ से 7 kg के लगभग में सामान को निकाल लिया गया है। हम इनसे जानेंगे कब ये सामान छोड़े थे और कब ये रिसीव किए हैं और कैसे इनको मालूम चला कि सामान निकाल लिया गया। आइए चलिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद जैनुल्ला अंसारी है जी। ठीक है, ये देखिए सामान, ठीक है, यहाँ पे कितना दिन पहले आप सामान छोड़े थे? ये 10 नवंबर को मैंने पोस्ट किया था सऊदी से। आप किए थे? जी जी जी, हम और मेरा दोस्त। अच्छा। जी जी जी, कितना केजी था ये? 29 kg 800 38 kg 800 g। अभी अभी कितना है? अभी 22 kg 150 g है। 22 kg 150 g। जी जी जी, यानी सामान निकाला गया है? हाँ, इसमें से निकाला गया 7 kg 650 g निकाला गया। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में आए थे तो अधिकारियों से बात हुआ है? जी, इनसे बात हुई थी, इन्हें बताया कि आगे से ऐसे ही आया हुआ है, इन्हें बोला कि यहाँ अभी जस्ट आया, आपके पास कॉल किए हैं, हमने इसमें कुछ नहीं किया। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है, चलिए हम अधिकारी साहब से जानने की भी कोशिश करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये कार्गो है और दिखाइए यहाँ पे पूरा नंबर लिखा गया है, इनका नाम भी लिखा गया है और देखिए सामान कहाँ का फाटा हुआ है, दिखाते हैं, दिखाइए आप हमको, दिखाइए। इसमें सामान को फाड़ लिया गया है और सामान को निकाल लिया गया। ऐसे घटना पिछले दिनों मीरगंज में भी ऐसा घटना एक हुआ था कि सामान निकाल लिया गया था, पूरा फाड़ करके चुटी मार करके, देखिए ये देखिए, अच्छा ये पूरा इधर फाड़ करके सामान निकाला गया, ये देखिए ये पूरा फाड़ दिया गया, ये देखिए अगर खोल देंगे तो ढक्कन की तरह ये खुल जाएगा। अच्छा अच्छा, ये 30 kg सामान अभी ऐसे पता चलता है कि हाँ देखिए ये सामान, देखिए ये टेप है, टेप निकाल देंगे ये पूरा खुल जाएगा। समझे, ये ऊपर से ये हमारा टेप मारा मारे, ये पोस्ट ऑफिस का टेप मारा हुआ नहीं है, ये यहाँ मारा गया, ये कटिंग करके देखिए, ये देखिए, नहीं नहीं मतलब ये सऊदी का मारा हुआ टेप नहीं है, ये इंडिया से मारा हुआ। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है ये जहाँ भी लगाओ, कस्टम में लगाओ, कलकत्ता लगा या पटना लगा, जहाँ भी आप बोल रहे थे कि मुजफ्फर तीन जगह आता है, जहाँ भी लगाओ मुझे पता नहीं, लेकिन ये सऊदी का देखिए, सऊदी का ये कह रहे हैं कि ये इसको इनका टेप को फाड़ दिया गया है, ये दिखाइए कितना का नुकसान हुआ है, मालूम है आपको कितना का सामान था? इस अंदर हमने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, लिया ही नहीं, क्योंकि इसमें 7.5 kg वजन कम है, इसके लिए नहीं लिया, मैं चला गया था। अभी इसको जब ओपन करेंगे तब तो कौन सा सामान इसमें से लिए हैं, ठीक है, इसको ओपन करेंगे तब तो पता चलेगा। ये दूसरी बार हो गया, पहली बार कब हुआ ये? बस 4 दिन पहले। उसमें से कितना सामान? उसमें करीब करीब मेरा 3,000 रुपये का सामान निकल गया उसमें का। जी जी, इसमें का भी सामान निकाल लिया। इसको जब हम देखेंगे तब हमको पता चलेगा इसमें कितना। आइए सर, थोड़ा सा एक मिनट आ दीजिए, थोड़ा ये बोल रहे हैं सामान कम हो गया इनका, इसमें लिखा हुआ है तो गए नहीं थे, देखे नहीं गए थे, हाँ यही ले जाकर तौले, वहाँ पे आया तुरंत फोन किए इनके पास, आए जाकर तौले, कम हुआ, अब यही ना जानते हैं क्या करेंगे, तो बोले कि लौटा रहे तो लौटाइए, रिटर्न हो जाएगा ये। हाँ, रिटर्न रुकवे करेगा तो सर ये मतलब कि दोषी किसका है? दोषी हम लोग क्या जानते हैं, हमारे पास आया तुरंत इनको बुला कर दे दिए कि देख लीजिए पहले, उसके बाद ले जाइए, तो हम लोग का दोषी है। ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होता है मालूम सर? नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम नहीं है। अच्छा, ये आपके पास ऐसे ही फाटा हुआ आया था? ये नहीं फाटा हुआ नहीं था, ये पुलिस भी सब कौन से अथी किए हैं, इधर उधर घुमाए हुए हैं, तो इसी हुआ है। अच्छा, ये सब ऐसे था इसे ना?
नहीं ये सब तो ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये सब अथी किए हैं, अपने हाथ से हाथ लगाए हैं, खोले हैं खुली, यही सब किए हैं। अच्छा चाकू, हमने कहा इसको खोला है, हाथ लगाया है क्या? इसमें हमने खोला कुछ नहीं किया है, ये आगे लगाओ तो हाथ लग जाता है। अरे ये हमने कुछ इनके सामने, इसके सामने अगर बताए, आपके सामने अगर ऐसे हाथ लगा के चेक करेंगे, इतना हाथ ऐसे जला रहा है, तो इसका मतलब कि हम लगा निकाल लें, इनके सामने लगाएं, ऐसा थोड़ी है। सामान इनके सामने था, हमने इनको ले जाकर वजन किया तो 22 किलो 150 ग्राम हुआ। मेरा सामान है 29 किलो 800 ग्राम। ये जी जी देखिए ना, ये देखिए मैं आपको दिखाता है, ये देखिए इस पर लिखा है, देखिए ये देखिए, वेट एक मिनट आपको इधर से घुमा कर दीजिए इसको, ये देखिए आप इस पर दिखाइए, ये रहा 29 kg 800 ग्राम। हाँ ठीक है। हाँ तो यानी 29 किलो 800 ग्राम, 800 ग्राम सामान। हाँ। अभी ये 22 किलो मतलब ये जब आता है ना जी, तुरंत इनको बुलाया गया कि आकर अपना सामान देखिए, यहाँ पे नहीं रहता है कि आकर अपना डिलीवर करके ले जाइए। ये बोले कि सामान कम है, हम नहीं ले जाएंगे, तो हम लोग बोले कि तो रिटर्न कर दीजिए, तो बोले कि ठीक है रिटर्न कर दीजिए। फिर उसके बाद आए हैं आपके सामने, वजन कम था, अब वजन तो वहाँ पे 22 किलो 160 ग्राम दिखा रहा था, इसमें 29 kg 800 ग्राम लिखा हुआ है। चलिए ये सरकारी स्तर है और देख सकते हैं ये सरकारी व्यवस्था है, और वहाँ से जब ये सामान आया तो भाई साहब आए थे रिसीव करने के लिए, और इसमें 7 kg कुछ ग्राम कम है, 7 किलो 600 ग्राम सामान कम है। अब इसको अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है कि इसमें कौन कौन से सामान को निकाल लिया गया है। बहरहाल हमने पोस्ट ऑफिस के जो इसमें कार्य करते हैं, हम इनसे भी बात किया, इन्होंने बताया जब मेरे पास सामान आया तो डायरेक्ट मैंने इनको फ़ोन किया, और ये अगर सामान अपना वजन किए, और उसके बाद से जब इसमें देखा गया तो ये 7 kg 600 ग्राम सामान कम है। क्या यही व्यवस्था है मीरगंज में? पिछले बार भी ऐसा हुआ था, ऐसे कई ऐसे घटना घटता है। क्या विदेश में रहने वाले लोग सुरक्षित सामान नहीं भेज सकते हैं? बड़ी उम्मीद के साथ लोग अपने फैमिली के पास ये सामान भेजते हैं, लेकिन अगर सामान को ऐसा किया जाएगा, सरकारी स्तर से विश्वास लोगों को उठ जाएगा, उम्मीद उठ जाएगा, तो फिर क्या किया जाएगा? इसका पूरा चार्ज दिए थे आप? जी जी पूरा चार्ज, देखिए इस पर चार्ज भी लिखा हुआ है। कितना चार्ज दिए थे? ये देखिए 299 रियाल, 299 रियाल चार्ज भी लिखा हुआ है, 17,400 रुपया। ये भी उधर से भी देखिए, पार्सल पोस्ट ही है। हाँ हाँ। भाई पोस्ट उधर पोस्ट ऑफिस से ही इसको हम पार्सल किए हैं। अच्छा, ये कार्गो एजेंसी का नहीं है, ये सऊदी पोस्ट ऑफिस से ही मैंने इसको पार्सल किया है। अच्छा, समझे, यहाँ भी सऊदी पोस्ट ऑफिस में ही यहाँ पे आया है। ठीक है, कब आए थे आप यहाँ पे? ये मैं 13 नवंबर को आए हैं। 13 नवंबर को? जी जी। कहाँ घर पड़ेगा आपका? मेरा फुलवरिया घर है यहाँ। फुलवरिया घर? जी जी जी। तो चलिए ये देख सकते हैं, यानी सामान का क्या विचार है, रिटर्न करना है सामान की, फिर कैसे होगा इसका? जी रिटर्न करने का ये है, इसमें खाने पीने का सामान है, थोड़ा बहुत ठंडा का कपड़ा है, समझे, तो इसमें से क्या निकाला गया? अगर खाने पीने का सामान होगा तो अगर रिटर्न भेजेंगे तो ये लोग, जब ये स्थिति है तो ये लोग पता चलेगा कि 6 महीने तक यहीं रख देंगे, तो ये सामान एक्सपायर हो जाएगा, फिर वहाँ जाएगा, फिर सऊदी से वापस आएगा, तब तक सामान जो भी है वो बचा है वो भी ख़राब हो जाएगा, और ठंडा का सीज़न भी चला जाएगा। इसलिए मैं सोचा कि हाँ जो गया सो गया, लेकिन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो बचा है वो तो ख़राब ना हो, समझे, सामान खाने पीने की सामान है, सामान लेके जाइएगा जी। हाँ खास सामान लेके जाना है, क्या करेंगे? लेकिन व्यवस्था जो सही नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं कोई जिम्मेदारी नहीं। आप देखिए बोल रहे हैं कि हमको क्या पता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये जिम्मेदार है, लेकिन आखिर कोई ना कोई तो जिम्मेदार है जी, ये कोई ना कोई तो है, सिस्टम में गड़बड़ है, सिस्टम में धांधली है, चोरी है, बेईमानी है, जो भी कुछ बोलिए। हम इसको कस्टम भी दे रहे हैं, देखिए इसका कस्टम भी लगा हुआ है, पहले कस्टम मेरे को लगा 2865 रियाल 4 दिन पहले, आज इसमें 900 कुछ समथिंग है इस पर, कस्टम भी है, समझे, तो कस्टम भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा सामान है, पिछले 4 दिन पहले भी उसमें भी हमारा सामान निकल गया, इसमें भी सामान हमारा, इसीलिए हम सामान को वजह वेट किए। वैसे भी इसका स्थिति देख करके जी, ऐसे कभी कोई भी पार्सल वहाँ से आता है तो ऐसा नहीं आता, इस तरह लूज नहीं होता है, कोई भी आता है एकदम पूरा टू टाइप, इतना टाइट आता है कि इसमें जगह समा नहीं सकता, एक उंगली नहीं घुस सकता है, इतनी टाइट आती है इसको। इसका स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या हाल है, देखिए पूरा एकदम व्यवस्था देख लीजिए, ये 7 kg 600 ग्राम इसमें से गायब है, जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही कौन है, किसके पास जाएंगे ये 7 kg के लिए? लेकिन ये व्यवस्था सही नहीं है, अगर आप लोग विदेश में रहते हैं सामान भेजते हैं तो सुरक्षित नहीं भेज सकते हैं बिहार में आप लोग, क्योंकि घटना ऐसा घटते रहता है, उम्मीद है आगे भी घटेगा, लेकिन ये सामान अपने एक्सेप्ट करेंगे आप, लेकर जाइएगा सामान, अब मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी, इसलिए कि खाने पीने का सामान है वो खराब हो जाए, एक्सपायर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। चलिए बने रहिएगा आप लोग, सामान भेजने से पहले तहकीकात कर लीजिएगा, बिहार में सामान भेजने से पहले सुरक्षित कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जब कार्गो सामान इसमें से गायब हो जा रहा है तो हमें उम्मीद है कुछ भी गायब हो सकता है। बहरहाल बने रहिएगा।